अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक से रजनी ब्लॉक। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और फिलहाल टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30, और इसके अलावा आरिस का पेपर स्टार्ट हो गया जैसा कि आपको पता है। और इस आरिस का जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है तो बिल्कुल दिल नहीं करता है ब्लॉग बनाने का, बस दिमाग उसी के पढ़ाई की तरफ रहता है, एग्जाम की तरफ रहता है। तो इस वजह से आजकल मेरा ब्लॉग रोज़ नहीं आ पा रहा है, और अभी फिलहाल लग रहा है कि इसी तरह से किसी दिन आएगा, फिर 2-3 दिन नहीं आएगा, फिर आएगा। इस टाइप से जब तक उसका एग्ज़ाम है इस टाइप से इसी तरह चलेगा। और ठंड भी बढ़ गई है तो तबीयत भी बिल्कुल सही पूरी तरह से ठीक नहीं है, इस वजह से भी थोड़ा ब्लॉग मेरा मतलब अल्टरनेट करके आ रहा है, या फिर 2-3 दिन गैप करके आ रहा है। तो आज भी बस सोचा कि आपको बता देते हैं, और आज कितना बनेगा क्या बनेगा ब्लॉग कुछ भी पता नहीं है। फिलहाल अभी सोचा कि अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और जो भी बनेगा बस आपको कम से कम इन्फॉर्म कर देते हैं कि मेरा रोज़ ब्लॉग नहीं आएगा फिलहाल, जब तक आरिस का एग्ज़ाम है और मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं हो जाती है। और अभी फ़िलहाल धूप में खड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है। धूप में थोड़ी सी गर्मी लग रही है, अच्छा सा लग रहा है। और आज सोच रहे हैं कि आज अतीब आता है कोचिंग से, तो आज अतीब की स्कूटी चलाते हैं। हालांकि पहले साइकिल बहुत चलाया है, जब स्कूल के टाइम में बहुत साइकिल चलाया है, लेकिन काफ़ी दिन हो गया साइकिल भी चलाए हुए, तो पता नहीं अब बैलेंस बनेगा भी ना बनेगा। और स्कूटी तो खैर कभी नहीं चलाया है, तो देखते हैं उसकी स्कूटी पर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। काफ़ी दिन भी हो गया साइकिल वाइकिल चलाए हुए, तो अगर भूल गए होंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस डर लगता है कि गिरे नहीं, वैसे पीछे उन लोगों को, काशिफ को या आरिस को, किसी आरिस को तो नहीं, काशिफ को या अतीब को पीछे बैठा लेंगे कि अगर गिरने भी लगेंगे तो ये लोग पैर रख देगा, तो फिर गिरेंगे नहीं। तो सोच रहे हैं आज चलाना, मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आ गया सही से चलाने लगे तो फिर एक स्कूटी ले लेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरत हो रही है स्कूटी की। काफ़ी दिक्कत हो जा रहा है इधर उधर जाने में, और कुछ भी व्लॉग बनाना व्लॉगिंग करना, तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरत हो रही है स्कूटी की। तो पहले अतीब की स्कूटी पर ही सीख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर लेंगे। और अभी फ़िलहाल अतीब कोचिंग गया हुआ है, आता है कोचिंग से, उसके बाद हमेशा सोचते हैं, लेकिन फिर डर लगने लगता है कि अगर गिर गए, कुछ चोट लग गई, पैरा टूट वूट गया, तो एक अलग आफत हो जाएगा। तो बस वही है, डर लगता है, लेकिन अब थोड़ा हिम्मत करके जा करके ट्राई करके देखेंगे चला करके। और ये अपने ग्राउंड में अच्छी खासी सब्जी लगा ली है, इधर पालक का साग लगा हुआ है, बैंगन है, हरी मिर्च है, और कद्दू तो खैर पहले से लगा ही हुआ था, तो अच्छा खासा सब्जी लगा लिया। हमेशा आते हैं तोड़ के ले जाते हैं। और ये पालक का साग कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और इसमें एक अपना हैंड पंप भी लगवा दिए हैं कि जब भी ज़रूरत होता है आते हैं पानी वानी भर करके डाल देते हैं, तो फिर सही है। और अच्छे से सारा, और बैंगन तो बहुत सारा, पता नहीं इसमें तो दिख नहीं रहा है, वीडियो में नहीं आ पा रहा है, लेकिन बहुत सारा बैंगन है लटका हुआ। तो अच्छा फ्रेश फ्रेश सब्जी है, और फ्रेश सब्जी का तो खैर खाने का मज़ा ही अलग होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और साग अगर फ्रेश रहे, मतलब अपने खेत का रहे, तोड़ा हुआ रहे, तो वो तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। हम लोग को तो पता नहीं कितना दिन हो गया है फ्रेश सब्जी खाए हुए, कि अपने से तोड़ो। कहाँ पापा जहाँ पहले जॉब करते थे ना बरबीघा में, बिहार शरीफ के पास, वहाँ पर हम लोगों को एकदम फ्रेश सब्जी ला करके तोड़ करके देता था, तो उस सब्जी का मज़ा तो खैर अभी तक याद है। लेकिन यहाँ पटना में तो फिर वैसा कुछ मिलता नहीं है, जाओ तो एक दिन का तो एटलीस्ट रहता ही है, तो फिर वही सब है। खैर अभी जो मिल रहा है वही खा रहे हैं, सही है। और अभी फिलहाल 5 बज रहे हैं और जा रहे हैं चाय बनाने के लिए, और आज काफ़ी देर हो गई, हम लोग बस अभी जस्ट 4:30 बजे खाना वाना खाया। असल में आरिस को स्कूल से आने में आज बहुत ज़्यादा देर हो गई, 4 बजे के आसपास वो घर आया, पूरा रोड एकदम ब्लॉक था। असल में बता रहा है कि फुलवारी में या हारूनगर में कहीं पे गैस का पाइप वो टूट गया था, उस वजह से वो बना रहा था, तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक पूरा वहाँ से लेकर के उसके स्कूल तक पूरा मतलब रास्ता ब्लॉक था, क्योंकि उधर जिधर पाइप टूटा था उधर तो पूरा एकदम रास्ता बंद कर दिया था, उधर सारी गाड़ी दूसरी तरफ से जा रही थी। तो बहुत देर से ये लोग घर पहुंचा, उसके बाद फिर का नहाया, तो खैर नहीं, मुंह हाथ धोकर के कपड़ा वपड़ा चेंज करके खाना खाया, उसके बाद ये तो 4:30 के लगभग में गया है सोने के लिए। और फिर अब शाम हो गई 5 बजे, दिन तो इतना छोटा हो रहा है, 5 बजे मगरिब की अजान भी हो गई, और फिलहाल अब जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। तो बस इधर पानी चढ़ाए हुए हैं, और अभी तो खाना ही खाया है, तो और तो कुछ नहीं खाएंगे। और आज निकालते हैं नया वाला मग, काफ़ी दिन से सोचते हैं, इतना सारा कॉफ़ी मग रखा हुआ है और बहुत सारा उसमें रखा हुआ है, तो हमेशा सोचते हैं निकालेंगे, लेकिन दिल ही नहीं करता है। तो आज नए वाले में चाय पीते हैं, इस वाले में, ये भी अच्छा सा है वाइट कलर का, तो इसको निकालते हैं और पहले इसको धो लेंगे, क्योंकि रखा हुआ है तो फिर धो करके तो रखा था, लेकिन फिर भी धो लेते हैं, इतने दिन से रखा हुआ है। और
और पानी भी इधर बॉयल हो गया है, तो इसमें सबसे पहले दूध डाल देते हैं। बोलिया सर, आरिस तो खैर सोया हुआ है तो बस उसके लिए तो चाय नहीं बनेगी, मेरे पापा के लिए और काशिफ के लिए, हम लोग तीनों के लिए चाय बन रही है। लेकिन ये होता है ना कि एक दो के कप में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि पापा को पीना है शुगर फ्री, हमको पीना है कम शक्कर, सिर्फ एक चम्मच हम लेते हैं, और काशिफ को लेना है ज्यादा, 3 चम्मच। तो एक डिजाइन के मग में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन किसका है, कौन किसका है, कौन किसका है। इसलिए घर के लिए यूज के लिए जो हम मग रखते हैं ना, तो सबका अलग अलग थोड़ा डिजाइन रहता है, कि ये पता चलता है कि अच्छा ये उसका है, ये उसका उसका है, तो फिर मिक्स भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन खैर इसमें याद रखना पड़ेगा पहले ही अलग अलग करके कि ये ले लो भैया, ये शुगर फ्री वाला है, ये पापा का है, ये काजू का है, ये मेरा है, तो इस तरह से। इसलिए एक डिजाइन के कप में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन खैर अब वैसे सेट लेंगे तो फिर एक ही तरह का रहता है। और अभी फिलहाल पापा में एक शुगर फ्री डाल देते हैं और हम लोग तो शक्कर लेंगे। और चाय भी अच्छे से हो गई है, कलर आ गया है। तो पापा को दे देते हैं, आप ले लीजिए अपनी चाय, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा तो आपको चीनी वाली चली जाएगी। इसी तरह का कप कर दी हुई है, मुश्किल हो गया। इसीलिए अलग अलग हमेशा रखते हैं कि पता नहीं चले, ट्रे में जाएगा तो पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलेगा कौन मेरा। इसलिए तो अलग रखते हैं हम कि एक डिजाइन का ही नहीं रखते हैं। लेकिन अब ये तो चलो है, और हो गया, चाय बन गई, बस अब जा रहे हैं चाय पियेंगे, उसके बाद फिर आरिस को उठाएंगे 6:30 तक। और आज कपड़े धुलने में भी इतनी देर हो गई, वो आया स्कूल से, उसके बाद वॉशिंग मशीन लगाया, तो अब जा कर के कपड़ा धुला है तो डाल देते हैं। और उसका यूनिफॉर्म है, स्कूल यूनिफॉर्म भी है, तो जब वेट कर रहे थे कि वो आएगा तो एक साथ ही सबका कपड़ा डाल करके अपना और उसका, उसके बाद मशीन वो चलाएँगे। तो 6 बज गया और अभी फ़िलहाल बस यहीं पर डाल देते हैं कपड़ा। था कि आज स्कूटी चलाएंगे, लेकिन वो सारा प्रोग्राम रह गया वैसे ही। आरिस को असल में देर हो गई, इस वजह से सब कुछ देर होता गया। वो स्कूल से इतने देर से आया और फिर इसको खाना खाते खाते सोते काफी देर हो गई और एकदम शाम हो गई। और अतीब भी शायद देर से ही आया, वो भी 4:30 बजे तक तो नहीं आया था कोचिंग से अपने, तो फिर रात हो गई। फिर 5 बजे तो एकदम सनसेट हो जाता है, अंधेरा हो गया, तो फिर अंधेरे में तो नहीं चलाएंगे क्योंकि अभी आता नहीं है चलाना, फर्स्ट टाइम चलाएंगे और वो भी अंधेरे में, तो कहीं जाकर के कहीं ठोक ना दे, धक्का वक्का ना लग जाए, तो इसलिए। और फिर शाम में ठंडक भी हो गई अच्छी खासी, तो फिर रह नहीं दिया। और अब देखते हैं कि छुट्टी वाले दिन ही चलाएंगे, क्योंकि रोज़ तो उसको कोचिंग जाना होता है और आरिस को स्कूल, तो छुट्टी वाले दिन उनमें चलाकर ट्राई करेंगे। और फिलहाल अब 6:30 हो गया, तो अब जा रहे हैं आरिस को उठाएंगे, और 2 घंटा सो लिया, 2-2.5 घंटा सो लिया, तो अब उसको उठाते हैं, फिर उठेगा, कुछ खाया वाएगा, फिर पढ़ने के लिए आएगा, क्योंकि कल भी उसका हिंदी का पेपर है, तो लगातार है, इसमें एकदम गैप नहीं है, रोज़ एक 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 पेपर है, क्योंकि यूनिट टेस्ट है इस वजह से। तो बस फिलहाल वो सोया हुआ है, उठाते हैं उसको। और अभी फिलहाल 9 बज रहा है और आरिज उठा काफ़ी मुश्किल से, 6:30 के बाद ही उठा, उसके बाद फिर खा पी करके अपनी पढ़ाई वढ़ाई किया। और आज पूछा भी नहीं इससे कि इसका पेपर हुआ कैसे, इतनी लेट से आया, उसके बाद खा वा के सो गया, और अभी बस उठाया थोड़ी देर पहले खा। और बताओ कैसा हुआ पेपर? अच्छा। सब बना दिए थे? चलो अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। अच्छा तो तुम्हारा रोज होता है। आज कितनी देर से आए स्कूल से? लगभग 4 बज गया था आने में। कल तो सही रहेगा ना रोड, या कल भी वैसे ही ब्लॉक रहेगा? अब पता नहीं, देखो, लेकिन स्कूल तो जाना ही है क्योंकि एग्जाम नहीं रहता तो कोई बात नहीं थी। और बस अब जा रहे हैं, खाना वाना बनाएंगे, तो बस आज के ब्लॉग को एंड करेंगे। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।